अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टेली प्राइम में मल्टीपल लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं और जो लेजर्स बनाए गए हैं उन्हें ग्रुप्स के साथ कैसे देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेजर या कह सकते हैं कि एक बार में एक लेजर बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम मल्टीपल लेजर्स यानी एक साथ एक से अधिक लेजर्स बनाने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देखें। एक बार फिर से आपसे निवेदन करेंगे कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमने टैली में लेजर बनाते समय देखा था कि लेजर बनाते समय हमें उस लेजर से संबंधित ग्रुप भी चुनना होता है। वैसे तो आपको पहले जो परिभाषाएं हमने बताई थी उस आधार पर आप लेजर से संबंधित ग्रुप का निर्णय कर सकते हैं, पर कई बार ये निर्णय करना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में आप हमारी वीडियो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं, उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से ग्रुप कैसे चुनना है ये बताया है। यहाँ हमें काम करने में आसानी हो उसके लिए हमें जो लेजर्स बनाने हैं उनके नाम और वे किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे उसकी लिस्ट हमने बना ली है। आगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय हम आपको और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको मास्टर्स के अंतर्गत क्रिएट की सहायता से लेजर बनाना सिखाया था। आज हम इसके तीसरे ऑप्शन चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सहायता से मल्टीपल लेजर्स बनाना बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए डाउन एरो की से चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहाँ पर दिखाई पड़ रहे अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर हाइलाइटेड है, एंटर प्रेस करें। और अब यहाँ मल्टी मास्टर्स के लिए या तो इस पर क्लिक करें या ऑल्टर के साथ एच की प्रेस करें। देखिए लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स आ रही है। हमें इसमें मल्टी क्रिएट सिलेक्ट करना है जो कि हाइलाइटेड है, तो एंटर प्रेस कर दें। ये मल्टी लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। इसमें सबसे पहले अंडर ग्रुप में उस ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना होगा जिस ग्रुप के अंतर्गत हम लेजर्स बनाना चाहते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के लिए बैकस्पेस की प्रेस करें और अब इस लिस्ट में से वो ग्रुप सेलेक्ट करें जिसके अंतर्गत आप लेजर्स बनाना चाहते हैं। यहाँ देखिए हमें जो लेजर्स बनाना है उनमें सबसे ज्यादा लेजर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित हैं, इसलिए सबसे पहले हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आने वाले सारे लेजर्स बना रहे हैं। उसके लिए यहाँ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हमें नेम ऑफ लेजर में एक एक करके उन लेजर्स के नाम देना होंगे जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत बनाना चाहते हैं। हमने पहले लेजर का नाम टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ अंडर में देखिए हमने ऊपर जो ग्रुप का नाम सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर भी अपने आप आ गया है। अब यदि आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो यहाँ लिख दें, एंटर प्रेस करें। इसी तरह एक एक करके सभी लेजर्स के नाम यहाँ पर टाइप कर दें। ये हमने यहाँ सभी लेजर्स के नाम टाइप कर दिए हैं। अब कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके हम इस लेजर स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमने किसी एक ग्रुप के अंतर्गत एक साथ कई लेजर्स बनाए, पर यदि आप एक साथ अलग अलग ग्रुप के अंतर्गत कई लेजर्स बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, आइए वो बताते हैं। उसके लिए ऑल्टर और एच कीज प्रेस करें। ये देखिए लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर्स आ रही है। हमें इसमें मल्टी क्रिएट सिलेक्ट करना है जो कि हाइलाइटेड है, तो एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अंडर ग्रुप में ऑल आइटम सिलेक्ट करना होगा। ऑल आइटम्स पहले से ही सिलेक्टेड है इसलिए हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब आप जो भी लेजर्स बनाना चाहते हैं उनका नाम टाइप करें। हमने टाइप किया परचेज अकाउंट, अब एंटर प्रेस करेंगे। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आप जो भी लेजर बनाने जा रहे हो उससे संबंधित ग्रुप सिलेक्ट करें। हमने सिलेक्ट किया परचेज अकाउंट्स ग्रुप और फिर ये एंटर प्रेस किया। यदि कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो यहाँ पर टाइप कर दें। ओपनिंग बैलेंस के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और फिर एंटर प्रेस करें। और अब इसी तरह एक एक करके सभी लेजर्स के नाम टाइप कर दें।
और उनसे संबंधित ग्रुप सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। हमें जितने भी लेजर्स बनाने थे उन सभी की डिटेल्स हमने यहाँ पर टाइप कर दी है। अब कंट्रोल और ए की से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको लेजर बनाना बताया था और इस वीडियो में मल्टीपल लेजर्स बनाना बताया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि जो लेजर्स हमने बनाए हैं उन्हें ग्रुप्स के साथ कैसे देख सकते हैं। अभी हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की स्क्रीन पर हैं और मल्टीपल लेजर्स बनाने के लिए हम इसी स्क्रीन से आगे गए थे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नीचे लिस्ट ऑफ लेजर्स लिखा हुआ है और उसके नीचे, जैसा कि हमने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको बताया था, टैली ने जितने भी ग्रुप्स या सब ग्रुप्स बना रखे हैं उन सभी के नाम और उन ग्रुप्स में हमने जो लेजर्स बनाए हैं उनके नाम, और ग्रुप्स के ऊपर की ओर वे किस प्रकृति के हैं, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम भी लिखा हुआ है। यदि आपको यहाँ किसी भी ग्रुप या लेजर में कहीं कोई गलती दिखती है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं, यानी ऑल्टर करना चाहते हैं, तो उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए लेजर ऑल्टरेशन विंडो आ गई है। यहाँ से आप लेजर में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। ऑल्टरेशन कैसे करते हैं ये हम आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताएंगे, और ग्रुप में कैसे ऑल्टरेशन करते हैं ये आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। स्केप की प्रेस करके हम वापस पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं। अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि लेजर्स बनाते समय आपने जो डिटेल्स दी थी वो क्या थी, जैसे लेजर का नाम, उसका ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस इत्यादि, तो F5 की को प्रेस करें या फिर राइट बटन बार में लेजर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए आपकी कंपनी में जितने भी लेजर्स बने हैं उनके नाम के साथ उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। आप चाहे तो इन्हें यहाँ से भी अल्टर कर सकते हैं। उसके लिए जिस लेजर को अल्टर करना है उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। यदि आप यहाँ से पहले वाली स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो फिर से F5 की प्रेस करें, और यदि आप सिर्फ ग्रुप्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो F4 की प्रेस करें। हम F4 की प्रेस कर रहे हैं और ये देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, हर वीडियो में हम कुछ नई बातें डिटेल में बताते हैं और बाद में शॉर्ट में उनका उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी उपयोगी बात सीखने से आप वंचित ना रह जाएं, तो कृपया सभी वीडियोस को ऑर्डर में ही देखें। इस वीडियो में हमने आपको बताया मल्टीपल लेजर्स बनाना, और इसके बाद वाली वीडियो में हम बताएंगे कि लेजर्स को ऑल्टर और डिलीट कैसे करते हैं।